दुनिया न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तूफानी बारिशें, लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, पसरूर और तिलागंज समेत कई इलाकों में छतें गिरने और करंट लगने से 15 अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी। तेज बारिश से लाहौर में निजामे जिंदगी मफलूज, सड़कों और गलियों में नदी नालों के मनाजिर, लोग घरों में महसूर। 74% ट्रिप कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। नाला डेक में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ, नादोबाल, कामूकी, गुजरांवाला में सैकड़ों देहात जेरे आब। जफरवाल के नाले में तुगियानी दरमान पुल टूट गया, कई देहात का जमीनी रास्ता मुनकता। राजनपुर के इलाके फतेहपुर में सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम के दौरान फायरिंग, दो अफराद जान बहक, तीन जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म का लाइन ऑफ कंट्रोल कशीदगी पर इजहार तशवीश, उनका कहना है कि भारत के साथ कशीदगी खत्म करना चाहते हैं। बान की मून कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। भारतीय फौज की जंगबंदी मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी, बटल सेक्टर में फायरिंग से बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सखी शहीद, 12 साल पोती जख्मी हो गई। सरसठवां यौम आजादी मुबारक, मुल्क भर में जश्न, चारों सूबों में परचम कुशाए, मजार कायद और मजार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली, बान की मून भी खुशियों में शरीक। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के बाद फैसलाबाद बुल्स की T20 चैंपियंस लीग में शिरकत मशकूक, भारत ने तहाल वीजे जारी नहीं किए। क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ का स्पॉट फिक्सिंग का एतराफ, फॉर्म से माफी मांग ली, ICC से क्रिकेट खेलने पर पाबंदी खत्म करने की अपील। और मिस्र में फौज की मुजाहिरीन के एहतजाजी कैंपों पर फायरिंग और शेलिंग, 30 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी।